Before you speak, you will highlight the topic so that they can get. Good morning. Good morning. आप सभी के अंदर बैठे अल्लाह को चेतन उपाध्याय की ओर से नमस्कार. आपको भी नमस्कार. नमस्कार. जरा जोर से नाश्ता किया है ना सुबह, जोर से नमस्कार. बहुत अच्छा. मैं आपसे ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि बनारस एक शहर है उत्तर प्रदेश का, यूपी का. वहां से थोड़ी दूर जाके बिहार बॉर्डर, वो बॉर्डर है बिहार, उसके बाद शुरू हो जाता है. हम बनारस में पैदा हुए, पले बढ़े, दिल्ली में नौकरी की, मुंबई में काम किया और अभी पूरे हिंदुस्तान में और कभी कभी हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी बच्चों के बीच, आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के बीच कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं. मैं ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इलाही बाग श्रीनगर के प्रिंसिपल जो मैडम हैं श्रीमती रजिया सुल्ताना जी, और जो सर हैं रफ़ी अहमद बद्री साहब, और सभी टीचर्स को, आप सब स्टूडेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज रमज़ान के एक दिन पहले, आज की सुबह 27 मई को 2017 आज का दिन है, आपने मुझे मौका दिया रूबरू होने का. आज का दिन इसलिए भी बच्चों इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, तो उनको भी हम नमन करते हैं. और रमज़ान के इस एक दिन पहले हम ये गुजारिश करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं अपने भगवान से, अपने अल्लाह ताला से कि आप बच्चे कल के आप भविष्य हो. यू आर द मेकर्स ऑफ द फ्यूचर. आपके ऊपर इस दुनिया का दारोमदार है और इस दुनिया में बहुत जो स्थितियां हैं, थोड़ी शांति रखिएगा बच्चों, सिर्फ दो मिनट की बात है, प्लीज़ मेंटेन 100% साइलेंस. मैं आपसे इतना ही कहने आया हूँ कि रमज़ान के एक दिन पहले हम शांति के लिए, मोहब्बत के लिए भगवान से, अल्लाह ताला से प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं. और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ. मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन आज जम्मू और कश्मीर में मेरा 14th डे है, 14वां दिन है. हर दिन सैकड़ों हजारों लोगों से मुलाकात होती है. परसों रेडियो कश्मीर पे हम थे, कल हम दूरदर्शन पे थे. हर जगह इतनी अधिक मोहब्बत मिलती है. इतना प्यारा ये कश्मीर है, ये स्वर्ग है, ये जन्नत है. मेरा जन्म जैसा नाम आपको पता है चेतन उपाध्याय, मेरा जन्म हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन कश्मीर में जहां मेजॉरिटी आप मुस्लिम्स की है, मैं इतना सेफ खुद को फील करता हूं, इतना आनंदित फील करता हूं. और दिल में ये ख्वाहिश होती है जीत तो करता है, यहीं बस जाऊं, यहीं रुक जाऊं, किराए पे ही रहना पड़ेगा किराए के मकान में, लेकिन रुक जाऊं, इतना अधिक लगाव, इतनी अधिक मोहब्बत यहां से मुझे मिल रही है. बच्चों, हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि ये आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, खूब आगे बढ़ने की उम्र है, और आप जितना डिसिप्लिन में रहोगे, आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं, सारा वातावरण बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है. मैंने इतने देर में देख लिया, सर से बात काफ़ी दिनों से चल रही थी प्रोग्राम करने की, लेकिन अच्छा वातावरण एक बात है, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी अपनी पात्रता बना के रखनी पड़ेगी. जब हम हाथ ऐसे रखते हैं तभी हमें कोई कुछ दे पाएगा, तो हमें अपनी हम्बलनेस,
हमें अपनी स्वीटनेस, हमें अपनी बोले तो डिसिप्लिन, हमें अपनी एक ललक कुछ सीखने की, समझने की, आगे बढ़ने की। और पढ़ाई लिखाई कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी भर हमें पढ़ना है, जिंदगी भर हमें कुछ न कुछ नया सीखना है। और मैं ज्यादा कुछ न कह के सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि प्रेयर में, प्रार्थना में, इबादत में बहुत ताकत होती है। अभी हम एक अली मोहम्मद बाबा साहब से मुलाकात मैंने की श्रीनगर में, उन्होंने कहा दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर प्यार को लाना है तो सभी को भगवान की, अल्लाह की 5 बार इबादत जो आप करते हैं, मंदिर मस्जिद में जाकर इबादत करें तो और अच्छा, नहीं तो घर में ही इबादत करें। क्योंकि जब हम इबादत करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं थोड़ी देर का, बच्चों जब हम साइलेंस में रहते हैं, तो अपने आप भगवान के पास, अल्लाह के पास हमारी तरंगें जो उसकी हैं, वो उसकी जो इनायत है, उसकी जो उसका जो आशीर्वाद है, जो सबाब है, वो हमें मिलता है। लेकिन जब हम मौन में रहेंगे और ध्यान करेंगे और इबादत करेंगे, तो इतना ही हम कहेंगे कि प्रार्थना में और इबादत में बहुत ताकत होती है। मीडिया के चलते और ज़मीनी धरातल पे भी कुछ ऐसी स्थितियां थीं जिसके वजह से टूरिज़्म बहुत कम हो गया, बहुत बेचैनी है कश्मीर वैली में टूरिज़्म कम होने से। अल्लाह ताला से यही हम दुआ करेंगे और रमज़ान भर दिल से प्रार्थना हम सब करेंगे, आप सब करेंगे कि हे अल्लाह, जल्दी से जल्दी अमन और चैन आए, ताकि हिंदुस्तान के सभी लोग यहाँ आए, नफरत खत्म हो, प्यार शुरू हो, नॉर्मलसी आवे और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। यही इबादत हमें करनी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा बारंबार आप सबके अंदर बैठे अल्लाह को, मेरा बार बार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।